क्लीम काम देवाय नमः। आज मैं आपको कुछ ऐसी गुप्त यक्षिणी साधना के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे कि आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। यक्षिणी मनुष्यतर जाति की प्राणी है। ये यक्ष जाति के पुरुषों की पत्नियां हैं। इन्हें देवी देवताओं की उपजाति के रूप में भी माना जा सकता है। यक्षिणियों की संख्या असंख्य है। इनमें विविध प्रकार की शक्तियां समाहित हैं। विभिन्न कार्यों की सिद्धि के लिए यक्षिणियों की साधना काफ़ी प्रचलित हुई। यक्षिणियां चिरजीवी होती हैं, जो कि आदिकाल से आज तक जीवित हैं, और इनकी साधना करके आप अपने ज़िंदगी में वो सब पा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। इनमें से कुछ यक्षिणियां तो इतनी अच्छी शक्तियों से सुशोभित हैं जो कि आपके इस जीवन को चार चांद लगा सकती हैं। सोचिए, कर्ण पिशाचिनी की अगर आपने साधना कर ली तो ज़िंदगी में कोई भी भेद आपके लिए छुपा नहीं रहेगा। आप जो भी चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं, कर्ण पिशाचिनी आपके कान में आकर वो सब बता जाएगी। एक दूसरी देवी हैं जो कि ज़मीन में गड़ा हुआ धन आपको निकाल कर दे देंगी। आपको पूरा रास्ता बता देंगे कि कहाँ पर कितना धन गड़ा हुआ है। इनकी साधना करने पर आप ज़मीन में गड़ा हुआ धन देख सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी मदना। मदना विचित्र यक्षिणी साधना। ये अगर आपने आरंभ कर दी और इसमें अगर आप इसकी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो इस भूलोक में आप कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं, लेकिन आपकी आज्ञा के बिना आपको कोई देख नहीं पाएगा। अर्थात ये यक्षिणी साधना आपको गायब होने की विद्या सिखा सकती है। तो इन साधनाओं में जितनी सरल ये आपको लग रही हैं, ये इतनी सरल है नहीं। वैसे इनमें अगर काल, नक्षत्र और ये सब देखा जाए तो काफ़ी आसान है, इनको कोई भी कर सकता है, लेकिन इनमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना अगर आप इन साधनाओं को करोगे तो लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। सबसे पहली बात तो इन साधनाओं में जो देवी हैं उनका विचार करना होता है कि उनको आप किस रूप में चाहते हैं। ये गांठ मार लीजिए कि कुछ भी हो जाए लेकिन आपको जो भी अप्सरा है, जिसका भी आप आवाहन कर रहे हैं, उनको पत्नी के रूप में स्वीकार ना करें या फिर उनका आवाहन पत्नी के रूप में ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो दुनिया में आप कहीं पर भी जाइए और अगर आपने किसी स्त्री को छू भी दिया तो जो यक्षिणी है वो रुष्ट हो जाएगी और आपका सर्वनाश कर देगी। तो अगर आप चाहते हो कि ज़िंदगी भर के लिए यक्षिणी का होके रहना है तो आप उसको पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकते हो या फिर उनका आह्वान कर सकते हो, अन्यथा आप किसी दूसरी औरत को छू भी नहीं सकते। तो ये विचार ज़रूर अपने मन में लाइएगा, उसके बाद ही साधना प्रारंभ कीजिएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि गुरु दीक्षा के बाद ही ये सब शुरू करें। अपने गुरु के सानिध्य में इन साधनाओं का आरंभ करें और गुरु दीक्षा के बाद ही किसी यक्षिणी को प्रसन्न करने की सोचें, क्योंकि इसमें जितने लाभ हैं उतनी हानि भी हैं। लेकिन जब भी आप अपना मन बना लें कि यक्षिणी की साधना करनी है तो प्रसन्न चित्त से हंसते हुए इस साधना में बैठे, क्योंकि इस साधना में आपको मुश्किल से एक महीना, एक हफ्ता लगेगा। और इसमें जो शर्तें हैं वो ये हैं कि आपको इसको नियमित रूप से एक स्थान और एक ही जगह पर करना है। अगर आपको लगे कि आपको इस बीच कहीं जाना है तो इस साधना को कभी भी प्रारंभ ना करें। ये साधनाएं कुछ ऐसी हैं जिसमें कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को छू भी नहीं सकते। अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति को छू दिया या किसी स्त्री को छू दिया तो आपकी जो ये साधना है ये भंग हो जाएगी, आपको फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। जो लोग मांस, मदिरा, अंडे या तंबाकू का सेवन करते हैं वो कभी भी यक्षिणी की साधना ना करें। अगर आप करना चाहें तो इस साधना काल में इन चीज़ों से परहेज करें, क्योंकि ये चीज़ें यक्षिणी को बिल्कुल पसंद नहीं हैं। यक्षिणी का जब भी आवाहन करें तो उनको माता, बहन या मित्र के रूप में उनका आवाहन करना होता है।
अगर पत्नी के रूप में आप उनका आह्वान करेंगे तो वो आपके मरने के बाद भी आपके साथ रहेगी, और किसी दूसरी स्त्री को आप छू भी लोगे तो वो रुष्ट हो जाएगी और उनका जो कोप है उसको सहने की क्षमता आप में नहीं होगी। इसलिए उनको सदैव अपनी माता या फिर बहन या फिर मित्र के रूप में ही स्वीकार करें। यक्षिणी साधना के लिए उचित समय होगा प्रातःकाल 3:30। इस समय से आप आरंभ कर सकते हैं किसी भी यक्षिणी को प्रसन्न करने की क्रिया। और यक्षिणी साधना में हमेशा नित्य क्रम से निवृत्त होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर उसके बाद ही ये साधनाएं करें। जितनी भी यक्षिणी साधनाएं हैं ये भौतिक सुखों के लिए हैं। जो चाहते हैं ब्रह्म ज्ञान को पाना और अपना परलोक सुधारना वो इन साधनाओं से दूर रहें। किसी भी यक्षिणी साधना के मंत्र या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मुझे कॉल कीजिएगा 999-284-1625। आपको वीडियो के नीचे एक लिंक में मिल जाएगा कॉन्टैक्ट अस का, उसमें जाकर आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।